कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फनी वेंडिंग मोमेंट्स का टोन कैमरा। एक बात तो बिल्कुल सही है कि शादी पूरी दुनिया में अकेला ऐसा लड्डू है जिसे खाओ तो पछताओ और ना खाओ तो और ज्यादा पछताओ, और इसीलिए लोग इसे खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और निकल लेते हैं गाजे बाजे के साथ, ये सोचकर कि आज तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन शादी ब्याह में सब ठीक ठाक से निपट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। गजब बेइज्जती है। फिर चाहे बारातियों का नागिन डांस हो या फिर फूफा जी की नाराजगी, पर कई बार तो दूल्हा और दुल्हन के बीच ही प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। लेकिन एक गारंटी पक्की है, वीडियो में बेशक कुछ भी हो लेकिन आपके चेहरे से आपकी मुस्कुराहट गायब नहीं होगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऐसी शादियों में जहां हम बिन बुलाए बाराती बनकर जाने वाले हैं। अब आपको फ्री में शादियों में घुमा रहा हूं तो थोड़ा हमारा भी भला कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटे को बजा दें। इस बात में कोई शक नहीं है कि शादियों में सबसे ज्यादा दुख दुल्हन की माँ को होता है जिसे अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के घर भेजना होता है। लेकिन इन माता जी का दुख इनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और डायरेक्ट दुल्हन को लेकर जमीन पर गिर पड़ी। शादियों में वरमाला तो सब डालते हैं लेकिन अब इन भाई साहब को देख लीजिए। यार किस बात की जल्दी है, कहीं आग बुझाने जाना है? कम से कम ये रस्म तो आराम से कर लेते। और जब आदमी को खुद पर यकीन नहीं होता कि यार उसी की शादी है तो ये सब होता है। आप लड़के हो या लड़की, अगर आपकी शादी आने वाले कुछ ही दिनों में होने वाली है तो आप अपने पार्टनर को तो ये वीडियो जरूरी दिखा देना। अजी सुन रहे हो, इस चीज का ध्यान रख लेना कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। यहाँ पर एक शादी हो रही थी और दूल्हे राजा वरमाला डाल रहे थे, तभी उनकी पैंट खुल गई और खुली तो खुली, दूल्हे राजा को पता भी नहीं चला कि उनके साथ में इतना बड़ा कांड हो गया। अब आप ध्यान रखना साहब, वरना लोग बातें बनाएंगे कि ये तो स्टेज पर ही शुरू हो गए। दोस्तों अब जरा इन बहन जी को देखिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सारा भांग दतूरा यहीं गाकर बैठी है, क्योंकि पीछे जैसे ही हल्की सी आवाज होती है ये डर कर गिर जाती हैं। और इनके डरने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, इसलिए क्योंकि जैसे ही माला पहनाने के बाद ये दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं तो फिर से दोबारा से आवाज सुनकर डर जाती है। और इस बार जो ये डरती है उसका हम क्या ही बताएं। बेचारा दूल्हा भी कड़ा कड़ा सोच रहा होगा कि न जाने कौन सी डरकोप लड़की मेरे माथे चढ़ गई। माला पहना बेटा, माला पहना लड़की, माला पहना। दोस्तों शादी के बाद मियां बीवी का लड़ना आम बात है, लेकिन यहाँ तो ये दोनों स्टेज पर ही शुरू हो गए और देखिए एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं। मतलब अपनी शादी को छल्ली छल्ली करना किसे कहते हैं वो आप इन दोनों से ही सीख सकते हैं। अब ये बड़ा मजेदार होने वाला है जिसमें आप देख रहे हैं दूल्हे के साले ने 100 का नोट दिया और बदले में उनकी गालों को खींचते हुए कहा, मुबारक हो जीजू मुबारक हो। बस दूल्हे को ये हजम नहीं हुआ और फिर देर पड़ देते और बाराती तो उससे भी मजे वाले निकले, जो बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मजाक साली करती है साले नहीं। अरे मजाक थोड़े साले करेंगे, साले आगे साले नहीं करते ना, ऐसी मजाक करेंगे। आपने एक से बढ़कर एक शादी तो देखी होगी लेकिन इससे ज्यादा बेमन वाली शादी आपने कभी नहीं देखी होगी। मतलब सारी रस्में ठीक ठाक चल रही थी लेकिन दूल्हे महाराजा एक अलग ही अकड़ में खड़े थे, इस वजह से दूल्हे ने ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा और उनके गले में ऐसे ही माला डाल दी। अब इस बात से लड़का कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया, तभी तो उसने दुल्हन के गले में माला डालने के बजाय उसे निशाना लगाकर फेंक दिया। और हद तो तब हो जाती है जब मिठाई खिलाने के नाम पर ये दुल्हन के मुंह में मिठाई ठूस रहे हैं। अब इनकी ये तूतू में देखकर एक बात तो पक्की है, दो ही दिन में इन्हें तलाक के लिए वकील ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस तरह तो ये साथ में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आप हमारा साथ कभी ना छोड़िएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।